संबंध प्रकरणांत से परमाणुवाद को सदोष सिद्ध करते हैं। परमाणु को न्यूनाधिक गुणों से युक्त माने या गुण रहित माने, दोनों प्रकार से ही दोष आता है, इसलिए परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, पृथ्वी आदि भूतों में से किसी में अधिक और किसी में कम गुण देखे जाते हैं, इससे उसके आरंभ परमाणुओं में भी न्यूनाधिक गुणों की सिद्धि मानी गई है। ऐसी दशा में यदि उनको अधिक गुणों से युक्त माना जाए, तब तो सभी कार्यों में उतने ही गुण होने चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य में समान जातीय गुणांतर प्रकट करते हैं। उस दशा में जल में भी गंध और तेज में भी गंध एवं रस प्रकट होने का दोष प्राप्त होगा। अधिक गुण वाली पृथ्वी में स्थूलता नामक गुण देखा जाता है। यही गुण कारणभूत परमाणु में मानना पड़ेगा। यदि ऐसा माने कि उनमें न्यूनतम यथार्थ एक एक गुण ही है, तब तो सभी स्थूल भूतों में एक एक गुण ही प्रकट होना चाहिए। उस अवस्था में तेज में स्पर्श नहीं होगा, जल में रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे, तथा पृथ्वी में रस रूप एवं स्पर्श का अभाव होगा, क्योंकि उसमें परमाणुओं में एक से अधिक गुण का अभाव है। यदि उसमें सर्वथा गुणों का अभाव मान ले, तो उसके कार्यों में जो गुण प्रकट होते हैं वे उन कारणों से विपरीत होंगे। यदि कहे कि विभिन्न भूतों के अनुसार उसके कारणों में यही कहीं अधिक कहीं कम गुण स्वीकार करने से दोष नहीं रहेगा, तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिन परमाणुओं में अधिक गुण माने जाएंगे उसकी परमाणुता ही नहीं रह जाएगी। यते परमाणुवाद किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। संबंध अब परमाणुवाद को अग्राह बताते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। अपरिग्रहत परमाणुवाद परमाणु कारणवाद को शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण नहीं किया है, इसलिए भी इसके अत्यंत उपेक्षा करनी चाहिए। व्याख्या, पूर्वोक्त प्रधान कारणवाद में असंत कार्यवाद का निरूपण है, अतः उस सत्कार्यवाद रूप अंश को मनु आदि शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण किया है, परंतु इस परमाणु कारणवाद को तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने स्वीकार नहीं किया है, अतः ये सर्वथा उपेक्षणीय है। संबंध, 11वें से 70वें तक 7 सूत्रों में परमाणुवाद का खंडन किया गया। अब क्षणिकवाद का निराकरण करने के लिए ये प्रकरण आरंभ करते हैं।